जब से बीजेपी ने हरियाणा फतह किया है तभी से देश भर के सभी क्षेत्र दलों के निशाने पर कांग्रेस है। हर एक सुबह क्षेत्रीय दल की नेता सुबह नींद से उठते हैं और कांग्रेस को कोसते हैं। ये सिलसिला 8 अक्टूबर से लगातार जारी है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से हरियाणा में मुकाबला 50-50 कर दिया था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार हरियाणा की जनता का मूड बदल गया है। इस बार वहां की जनता बदलाव के लिए वोट करेगी। इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास भी सातवें आसमान पर था। चुनाव प्रचार के दौरान यह देखने को भी मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में अति आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सभी के आंकड़े धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने सभी को चौंकाते हुए कड़े मार्जिन से कांग्रेस को हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी हरियाणा के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी है जिसने कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए हरियाणा में हैट्रिक लगाया है। अब बीजेपी की जीत के दिन से ही AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर है। आपको बता दें, ओवैसी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिए कि अब हरियाणा में तो हम चुनाव नहीं लड़े थे, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? अगर हम वहां चुनाव लड़ते तो कांग्रेस समेत अन्य दल हमें बीजेपी का बी टीम कहती है, लेकिन हमारे नहीं लड़ने पर भी तो इन लोगों ने जीत नसीब नहीं हुई। कांग्रेस के लिए ये हार एक सबक है कि आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, थोड़ी सफलता पाकर आपको ज्यादा उछल कूद नहीं मचाना चाहिए। तो वहीं इधर जब से हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है तभी से पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के हाईकमान कई मौके पर सार्वजनिक तौर पर कहा है कि पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में ही बीजेपी सरकार बनेगी। इस दौरान एक चीज यह भी देखने को मिल रहा है कि पार्टी लगातार शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तारीखों को पोस्टपोन कर रही है। ऐसे में कुछ राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने की कवायद में है, इस वजह से पार्टी लगातार तारीखों को पोस्टपोन कर रही है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला के सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में सीएम सैनी के साथ 12 मंत्री भी शपथ लेंगे। फिलहाल इन 12 मंत्रियों के नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये 12 मंत्री हैं जो कि शपथ लेंगे। इनके तारीखें शपथ कब लेंगे अभी तक ये तारीखें ऑफिशियली तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि तारीखें जल्द ही सामने आ सकती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए काफी गर्व की बात है कि आखिर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो ऐसे में कांग्रेस को कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस अब और आगे की तैयारियों में जुट चुकी है। फिलहाल अब इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।